इस हफ्ते की खबरें, 7-8 दिन में क्या बीता है देश में, दुनिया में, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वी लुक एट व्हाट्स बिहाइंड द हेडलाइंस एंड व्हाट्स मेकिंग द न्यूज़। बहुत एक और बहुत अहम है कि संसद चल रहा है, लोकसभा बैठी हुई है, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, और हमने देखा है कि 5-6 दिन के अंतर में, 7 दिन के अंतर में 3-4 ऐसे बड़े बड़े कानून बहुत ही जल्द से जल्द लोकसभा में, और उसके बाद एक कानून राज्यसभा में भी पास हुआ है। आई एम रिफरिंग टू दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो माहिती का अधिकार कानून है, उसके उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए हैं ताकि सरकार का कंट्रोल ज़्यादा रहे तनख्वाहों पे और ऑफिसरों पे। UAPA एक्ट, जो मतलब आतंकवाद को किस तरह डिफाइन करता है, क्या हम हमारे देश की पुलिस और पूरे यंत्रणा को बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं क्या? सवाल ये नागरिक के लिए ये होना चाहिए कि क्या इस तरह के चीज़ों पे थोड़ी सी लोकतांत्रिक रूप से ज़्यादा चर्चा संसद में होने चाहिए थी या नहीं? इतनी जल्दबाजी सरकार ने क्यों की? ये चैनल पे, तीसरा सिल्वर के चैनल पे हम चाहते हैं कि इस बातों पे चर्चा हो। आप भी अपने मत रखें, आप भी अपनी राय रखें, कमेंट ज़रूर डालिएगा, और ये कमेंट्स देखते देखते उसका रिस्पॉन्स हम देंगे, उस तरह के विषय हम उठाएंगे। सो वीड लाइक टू मेक इट एन इंटरैक्टिव थिंग ऑन दिस चैनल टू लुक एट सम ऑफ द इश्यूज़ दैट बॉग इंडिया टुडे। एक दूसरी चीज़ जो आई है कि UAPA अमेंडमेंट एक्ट, RTI माहिती अधिकार कानून, ट्रिपल तलाक बिल, ये सब इंट्रोड्यूस हुए। RTI का अमेंडमेंट बहुत जल्दी से पास हुआ, मगर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ जो उभर के आई है, जिस पे उन 50 कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र एक लिखा, जिसको लेकर दूसरे एक ग्रुप कलाकारों ने उस पे बहुत अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। जब अडूर गोपाल कृष्णन, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल वगैरह वगैरह, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कलाकार कहते हैं, उन्होंने अपना बहुत सारा मतलब दे एक्सप्रेस द एंग्विश विद द प्राइम मिनिस्टर एट द इंक्रीसिंग वायलेंस इन द कंट्री, थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन इन द कंट्री, कि जिस तरह का डर और खौफ का एक माहौल पैदा हो रहा है। तबरेज अंसारी को आप याद कीजिए, झारखंड का एक नौजवान जिसको बेरहमी से मार पीट कर मारा गया था जय श्री राम के नारे पे। उसके पहले जय श्री राम का नारा बंगाल राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी और RSS के व्यक्ता ने राजनीतिक इस्तेमाल किया था, और फिर हम देखते हैं कि लोकसभा में भी इसका एक डरावना ये स्लोगन का इस्तेमाल, और कल झारखंड के विधानसभा में भी इसका इस्तेमाल। एक ज़माना था कि जय सियाराम का नारा हम लोग श्री राम को भी याद करते थे, भगवान राम को भी याद करते थे, मगर भगवान राम को अकेले कभी ये देश के लोगों ने नहीं याद किया, सीता को ज़रूर याद किया। जय सिया राम नारा रहा करता था उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर भारत में, सड़कों पे कोई आपस में एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को ग्रीटिंग होती थी जय सिया राम। मगर जैसे राम जन्मभूमि का मूवमेंट बढ़ता गया, जैसे भगवान राम को भी राजनीतिक इस्तेमाल करने लगे लोग, एक तबका करने लगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, देन वी गॉट अ वेरी मिलिटरिस्टिक पेट्रियार्कल पैरोकियल माइजोजिनस गॉड इमर्जिंग, एंड द स्लोगन ऑफ जय श्री राम विच वॉज अर्लियर जय सिया राम, सिया बिंग सीता, जय रिमेम्बरिंग बोथ सीता एंड राम टुगेदर एज दैट कपल विच इज़ वेरी वेरी डियर टू द हार्ट ऑफ मैनी इंडियंस, दैट वॉज रिप्लेस बाई अ वेरी एक्सट्रीमली वेपनाइज जय श्री राम। और अब हम देख रहे हैं कि हमले जब हो रहे हैं मजलूमों पे, कमज़ोर तबके पे, तो ये नारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दिस मिसयूज ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जहाँ पे भी धर्म और मज़हब का इस्तेमाल राजनीतिक स्तर पे होता है तो नतीजा हिंसक क्यों हो जाता है, वाई डज द एंटायर इम्पैक्ट बिकम वायलेंट, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू इन आर कंट्री। तो एक तबका हमारे आज़ाद और इंडिपेंडेंट हमारे कलाकार कह रहे हैं, अपने बातें रख रहे हैं देश के सामने, दुनिया के सामने, कि इस तरह का माहौल देश के लिए सही नहीं है, और उसके जवाब में उनको कहा जा रहा है कि आप चांद पे चले जाइए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वही जो दूसरे कलाकार आके कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के सरकार के अंदर हमें बहुत आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है सोचने की, बोलने की, वो ये भी उनके पत्र खत खत और पत्र में काफ़ी उसमें ऐसी चीज़ें उठाई गई है जिस पे सवाल उठाया जा सकता है। जो मजलूम इंसान, चाहे वो ऊना के दलित हो या कैटल ट्रेडर मुसलमान हो, जो गुज्जर हो, जो ग्रेजिंग करते हैं,
जो पशुओं को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी उनका पेशा उससे जुड़ा हुआ है, उनको मारने काटने के लिए नहीं। उनके बारे में ये कहा गया है कि वो हमारे जवानों को मार रहे हैं, कैटल्स को मार रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे झूठ वो खत में है, दूसरे वाले खत में है। तो उसकी तरफ भी हम आपका आपके थोड़ी सी आपकी वी आर ड्रॉइंग योर अटेंशन टू द सेकेंड लेटर दैट वॉज रिटन रिस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लेटर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में, हमारे उच्च न्यायपालिका में बहुत सारे अहम सवाल ये हफ्ते में के बारे में बहस किए गए। एक जो मुद्दा है जिसके बारे में टेलीविज़न चैनलों ने और अखबारों ने भी मोदी जी के सरकार के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं किए, वो वन अधिकार कानून 2006 को लेकर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चल रही है जिसमें परसों के दिन 24 जुलाई को 15 अलग अलग आदिवासी संगठनों ने, आदिवासी महिलाओं ने, सोकालो गोंड और निवाडा राणा ने अपने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाले, क्योंकि ये साल फरवरी महीने में 13 फरवरी 2019 को एक बहुत अचानक सा एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से। हमारा मानना है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से इसलिए आया, द ऑर्डर केम बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट स्टैंड बिफोर द कोर्ट टू डिफेंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 एंड डिफेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कानून के पीछे क्या इतिहास है, ये कानून 2006 में क्यों लाया गया, ये कानून शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 9 हमारे संविधान को क्यों इस तरह से माना जाता है, और मोदी सरकार जी ये कानून को दबाना क्यों चाहती है। 1927 में ब्रिटिशों ने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था हमारे आदिवासियों को कुछ लाने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, और मोदी सरकार ने ये साल के फरवरी महीने में वो ब्रिटिश कानून को वापस जान और हथियार के लिए इस्तेमाल करने का इरादा व्यक्त किया है। दे हैव ट्राइड टू अमेंड ब्रिंग इन एन अमेंडमेंट टू द 1927 एक्ट वेरी वेरी सीक्रेटिवली। वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, जो ये देश का सबसे बड़ा जमींदार है, इज द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड इन दिस कंट्री, शुड बी आर्म्ड विथ गन्स, मतलब उनके हाथ में हथियार होने चाहिए ताकि वो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स, हमारे दलितों के ऊपर बेतुकेपन से हमला कर सके। तो ये याचिका, अभी इसके बारे में दलील सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्तों में, अगले महीनों में ज़रूर होगी। ये बहुत एक ऐतिहासिक तारीख थी 24 जुलाई 2019, जब 15 अलग अलग संगठनों ने अपने इंटरवेंशन एप्लीकेशंस डाले, 18-19 राज्यों ने भी अपने काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं वन अधिकार कानून को लेकर, और आने वाले दिन हमें दिखाएंगे कि अलग अलग राज्यों, जो आदिवासी समुदाय और फॉरेस्ट ज्वेलर्स के पास अपने वोटों के लिए ज़रूर जाते हैं, वो ये कानून को किस तरह डिफेंड करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के वन के लिए, हमारे देश के पेड़ों के लिए, हमारे देश के आदिवासियों के लिए और हमारे देश के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर जो अमेंडमेंट लाए गए हैं लोकसभा में, वो बिल पास हो गया है, अभी तक राज्यसभा में नहीं आया, उससे भी बहुत चिंताजनक बात उभर के आती है, और वो सवाल भी आता है कि ये सरकार जो अपने आप को लोकतांत्रिक पेश कर रही है, वो लोकतांत्रिक बहस, लोकतांत्रिक डिस्कशन से क्यों डरती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि देश में एक खुली आज़ादी हो सोचने की और बोलने की, तो जो भी कानून में सुधार लाया जाए, चाहे ये दो कानून हो या हमारे कामगारों को लेकर कानून हो, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भयानक चीज़ें लाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जो हमारे 150 साल पुराने अधिकार जो हमारे कामगार वर्ग ने लड़ लड़ के लिए थे, उसको भी ख़त्म करने का एक इरादा सरकार ने व्यक्त किया है। तो सवाल ये सब है हमारे सामने। हमारा एक संगठन है जो जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, उसकी एक वेबसाइट है cjp.org.in, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है CJP इंडिया यूट्यूब पे, आप ज़रूर वेबसाइट पे जाइए, आप ज़रूर यूट्यूब और हमारे वीडियोस देखिए, अलग अलग मुद्दों पे आप वीडियोस देख पाएंगे, और ये चर्चा आप और हमारे बीच में हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हम ये एपिसोड में आपके सामने ला रहे हैं, हर हफ्ते हम लाएंगे आपके सामने, वो उसके ऊपर आप भी हमारे
हमारे आपके सोच आप कमेंट्स सेक्शन में डालिए, उसके ऊपर हम जवाब भी देंगे और आने वाले हफ्तों में वो चर्चा हम जारी रखेंगे। ये हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए चिंताजनक थी, वो जय श्री राम का नारा का गलत इस्तेमाल, हिंसक इस्तेमाल, याद रखिए ये नारा पहले दिनों में आम लोगों के बीच में जय सिया राम का नारा रहा करता था और उसका मतलब वो दिल में लोगों की चाहत कुछ अलग ही थी, मगर वो एक धार्मिक नारे को इस तरह वेपनाइज करके हिंसक रूप में बदलना उसका पूरा रूप बदल देता है, उसका पूरा चेहरा बदल देता है और एक डर का माहौल पैदा करता है। ज़रूर ये चर्चा आप चालू रखिए और आप ये हमारे वेबसाइट पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे, ये चैनल पे भी आइए और दूसरे चैनलों पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते तक।